फरीदाबाद में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां अब कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से सामने आया है, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी घायल हो गए और गंभीर हालत में उन्हें बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। SHO ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव मजगर में एक दूध की डेयरी पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के कर्मचारी गए थे। वहीं पुलिस के जवानों पर आरोपी ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से जवानों पर हमला बोल दिया, जिसमें कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए। हम मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। गांव मजगर के पास एक डेयरी खोल रखी थी, नरावली के गांव के मुलजिम है मेरे। मुकदमा नंबर 165/21। हमें पता लगा कि भाई मुलजिम अपनी डायरी पे दूध काट रहा है। मैं और मेरा साथी प्रमोद ने हम फाइल लेकर वहाँ पहुँचे हैं। मुलजिम हमें वहाँ मिला, हमने मुलजिम को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मुलजिम ने हमारे साथ आता पाई करी और गली में जैसे धक्का मुक्की करके ना हमने मुलजिम को घेर लिया। घेरने के बाद हमने 112 पे कॉल की, लेकिन किसी अड़ोसी पड़ोसी ने उसके भाई के पास या परिवार वाले के पास फोन कर दिया। उसमें से उसके परिवार वाले बाइक पे आए, दो बाइकों पे, एक पे तीन, एक पे दो। जिस समय मैं जानता हूँ, एक का नाम है चंदा, एक का नाम कृष्ण, एक का नाम जितेंद्र, इनको तो मैं जानता हूँ, और एक खुद सूरज थाई। उन्होंने हमारे साथ आते ही मारपीट की, जबरदस्ती उस मुलजिम को छुड़ा के ले गए। उन्होंने से लाठी डंडे थे और एक के पास रोड थी, आते ही उसने रोड मारी, जिससे हम थोड़ा हिम्मत हासी आ रहे, गिर गए, खून निकलने लगे, आंखों पे से खून आया तो हमें दिखना थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर भी हमने उस मुलजिम को पकड़े रखा। तो जिन्होंने छुड़ाया वो मुलजिम भी मेरे ही मुकदमे में बेल पे कोर्ट से हैं। छाया थाने का मुकदमा नंबर 165 में ना सूरज नाम का व्यक्ति था, जो मसगर कॉलोनी के अंदर रहता है, उसमें वांटेड है। हमारे मुलाजिम ले गए थे, जो उन्होंने मुलाजिम ने उसको काबू कर लिया था, लेकिन शोर मचाया, आस पड़ोस के 3-4 आदमी आ गए और मुलाजिमों के साथ मारपीट करके उसको छुड़ा के ले गए। हमारे पास सूचना आई, हम वहाँ पहुँचे और मुलाजिम वो भग गए थे, और मुलाजिमों को जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल लेके आए। क्योंकि सीरियस है, काफ़ी चोट लगी, मसले बढ़े हुए हैं, लेकिन बाद में ये तो आगे। वहीं सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि जैसे ही उनके पास घायल अवस्था में पुलिसकर्मी पहुंचे, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और अभी वे अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। किसी धारदार हथियार से और उससे डंडों से चोट की है, दोनों के हेड इंजरी है। एक का थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और वोमिटिंग की हिस्ट्री रही है, तो वो थोड़ा सीरियस लग रहा है। बाकी जो दूसरा है उसकी चोट मेंशन कर दी गई है, ऊपर MLR काट के इसको पुलिस को सूचना तो नहीं भेजा, पुलिस तो खुद आई हुई है। बाकी इनका एक पेशेंट को शायद हम रेफर करेंगे।